मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। सिंपल क्वेरी विजार्ड, द सिंपल क्वेरी विजार्ड डज ए ग्रेट डील ऑफ द वर्क ऑफ क्रिएटिंग ए क्वेरी फॉर यू। यह भी हमारी जो हम डाटा तैयार करते हैं उसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यह भी इसकी हेल्प से हम क्वेरी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एसक्यूएल विजार्ड। यानी हम जब भी कोई डाटाबेस बनाते हैं तो हम इसके द्वारा भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन यू वांट टू यूज फील्ड for different tables and when you want a query that summarize your data। यानी जब आप कोई भी database तैयार करते हैं with the help of tables, या आप एक query चाहते हैं जिसमें हमारा answer मिल जाए, तो हम use करते हैं SQL wizard, simple query wizard। बात करते हैं आप किस प्रकार अपनी query को saving कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ steps follow करने होंगे। इफ यू आर इन द क्वेरी, अगर आप किसी क्वेरी में है या डेटशीट में है, तो आपको ओपन करना है फाइल मेन्यू। इट मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। आपको जाना है सेव ऑप्शन पे, नेम द फाइल एंड क्लिक ऑन सेव बटन। उसके बाद आपको टाइप करना है फाइल का नाम। देखिए, हम फाइल का नाम इसलिए सेव करते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में उस फाइल को यूज कर सकें। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी फाइल बना रहे हैं उस फाइल को आप सेव कर लें, एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। और आपको क्लिक करना है सेव बटन पर। इस प्रकार जो भी आपने फाइल तैयार की है वह आपकी सेव हो जाएगी। और जब भी आप कोई भी फाइल देखते हैं, आपको यूज करना होगा माई डॉक्यूमेंट। जो भी आप फाइल सेव करते हैं वो सभी कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर होता है, उसमें जाकर सेव हो जाती है। उस पर जाकर आप जो भी फाइल आपने बनाई है उन फाइल्स को ओपन आप कर सकते हैं और कभी भी आप यूज कर सकते हैं, और साथ साथ उन फाइल में आप चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये सभी वर्क आपको केवल समझना है, उतारना नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वह मुझे कॉल कर सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।